हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए तो आज बात करते हैं नोटिस ऑफ डिमांड की। लेकिन उससे पहले मैं बस आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ चेक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कमर्शियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे फेवरेट जो ट्रांजेक्शन मोड है वो चेक है, और हम डेली बेसिस पे चेक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं चेक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकूं। नोटिस ऑफ डिमांड तो की नोटिस हमको कब भेजना है, कितने दिन के अंदर भेजना है, कैसे भेजना है, क्या करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस उस सूरत में भेजा जाता है जब ड्रॉअर जिसने हमें चेक दिया है वो अगर बाउंस हो जाए। बाउंस होने के कई रीज़न होते हैं। जैसे मान लो उसने जानबूझ के अपनी पेमेंट स्टॉप कराई, उसने चेक दे दिया लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं है। ड्रॉअर ने आपको चेक दे दिया लेकिन उसका अकाउंट पहले से ही क्लोज्ड है, साइन उसने गलत दे दी है। ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये तो इन सूरतों में अगर चेक बाउंस होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब आपका चेक चेक बाउंस हो और ये आपको बैंक के ज़रिए से पता चले कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो उसी दिन जिस दिन आपको ये नॉलेज मिली है, जब आपको बैंक मेमो देता है चेक बाउंस का, तो उस दिन से लेकर 30 डेज़ के अंदर आपको एक नोटिस ड्रॉअर को भेजनी है। ड्रॉअर मतलब वो जिसने आपको चेक दिया था, तो उसको 30 डेज़ के अंदर आप नोटिस भेजना। और नोटिस ये हमेशा राइटिंग में ही होगा, और उसके अंदर जो भी आपकी अमाउंट चेक बाउंस हुई है वो अमाउंट को आप सही तरीके से मेंशन करोगे और उसके एड्रेस पे आप भेज दोगे। हमेशा याद रखिए कि कोर्ट में भले ही टाइम लगे लेकिन आपका राइट कर्टल नहीं होगा। आप जो भी रेमेडी लेना चाह रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोर्ट से ही मिलेगी, इसलिए आप कोर्ट पे भरोसा रखिए और अपने राइट्स को जानिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बस याद रखिए कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप वेट ना करिए, ना किसी से आप पूछते बैठिए कि आप क्या करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ 30 डेज़ है और इस 30 डेज़ में आपका लीगल नोटिस उस तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या कभी कभी ये होता भी है कि ड्रॉअर से कांटेक्ट हो जाता है लेकिन वो आपको एक फॉल्स प्रॉमिसेस देते रहता है कि नहीं मैं कुछ दिनों में दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक टेक्निक होती है जो ज़्यादातर ड्रॉअर यूज़ करते हैं कि किसी भी तरह से इनका टाइम चला जाए और उनको फॉल्स प्रॉमिसेस दे दे के उस टाइम को ख़त्म करने के पीछे रहते हैं। और लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं कि चलो हमको पैसे दे रहे हैं, अब हम कोर्ट में क्यों जाए। लोग कोर्ट में जाने के लिए ये सोचते हैं कि हमारा बहुत टाइम लगने वाला है और कोर्ट में जाके हमें क्या फ़ायदा होगा, वकील हायर करने से हमारे और पैसे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोर्ट जाना भी पड़ता है तो आपका कोई उसमें नुकसान नहीं है। आप अगर टाइम पे कोर्ट पहुँचते हैं तो जब आप लीगल नोटिस एक लॉयर के थ्रू उस ड्रॉवी को आप भेज देते हैं तो उस नोटिस में आपके लिखा होता है कि हमारी जो डिमांड की जो अमाउंट है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट भी आपको देनी होगी, और इसके अलावा आपके लीगल एक्सपेंसेस जो भी नोटिस बनाने के लिए लगे थे वो भी उसके साथ डिमांड किए जाते हैं कि हमारे नोटिस का खर्चा भी इतना आया है। अगर वो सेटलमेंट करना चाहे तो आपको विद लीगल नोटिस के चार्जेस जो भी आपके लॉयर ने लिए हैं आप उतना उनसे ले सकते हैं। तो आपका तो कहीं से भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन लोग इस पेटेंस में रहते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा तो हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह करने से उनका खुद का नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़,
वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमें, चलो नोटिस तो भेज दिया, नोटिस तो भेजना चलो ठीक है, किसी भी एडवोकेट को बोल के हम नोटिस भेज देंगे, लेकिन कोर्ट गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाते हैं, हमारा पैसा तो मिलेगा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हमको वकील को देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अब निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके ज़रिए से पहले ये होता था कि काफ़ी टाइम लगता था ड्रॉवी को पैसे रिकवर करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब टाइम बाउंड केसेस चलती है और फास्ट ट्रैक में चलती है कि 138 की जो भी अमाउंट होती है, जो भी डिमांड उनका होता है, किया हुआ होता है, वो जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए स्पेशली 138 के कोड बनाए गए हैं, जो बिल्कुल फास्ट तरीके से ये काम करती है। तो इस तरह से सोच के अपना नुकसान मत करिए और जितना हो सके अलर्ट रहिए, और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप जितना जल्दी हो सके लीगल प्रोसीजर की तरफ बढ़ना, चाहे आपको ड्रॉवर जिसने चेक दिया है आपको फॉल्स प्रॉमिसेस बना रहा हो, आपको बोल रहा हो कि वो पैसे देगा, तब भी अपने टाइम पे ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 30 डेज निकलने आए हैं तो आप सेफ साइड जाइए, आप नोटिस भेज दीजिए, क्योंकि आपको नोटिस भेजने से कोई प्रोसीजर रुकने नहीं वाला है। अगर उसको पैसे देना है, सेटलमेंट करना है, तो वो तब भी दे देगा, नोटिस देने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप प्रोसीजर के अंदर रहने के लिए नोटिस टाइम के अंदर दे देना, उसके बाद जब भी उसको सेटल करना होगा वो खुद ही आ जाएगा, लेकिन किसी की बातों की वजह से अपना टाइम वेस्ट ना करें।